हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द एआई ब्लॉग एमएस राजपूत यूट्यूब चैनल। एआई ब्लॉग एक ब्लॉग है जिसमें मैं एआई मशीन लर्निंग डेटा साइंस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करता हूँ। पर मैं आज बहुत टाइम बाद इजी ओसीआर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इजी ओसीआर के बारे में बताऊँगा कि इजी ओसीआर के रिजल्ट्स कैसे। वैसे तो इजी ओसीआर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा ओसीआर है वो, जो कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इजी ओसीआर वर्क नहीं कर पाता है, तो आप अपने उस डेटा सॉर्ट सेट के अकॉर्डिंग्स आप उस लाइब्रेरी को रिट्रेन कर सकते हो। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके इजी ओसीआर को रिट्रेन कर सकते हो। तो ये वैसे कि इजी ओसीआर का सिंपल सा लाइब्रेरी है ये, और मैं ये सब कुछ गूगल कैलेंडर पे करूँगा, ठीक है। तो आपको पता है गूगल कैलेंडर कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे गूगल कैलेंडर डालना है। तो ये गूगल कैलेंडर करा मैंने एंटर, यहाँ से मैंने इसको पेज किया, गूगल कैलेंडर यूज़ हो जाएगा, जो आपकी ई मेल आई डी वहाँ पर ओपन है उस ई मेल आई डी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पूरा सेटअप करके रखा हुआ है कि वीडियो लंबा ना हो। जैसे कि ये वीडियो लंबा हुआ क्योंकि अपन शुरू से ही इसमें जी ओ सी आर कैसे काम करता है, जी ओ सी आर को रिट्रेन कैसे कर सकते हैं, जी ओ सी आर के रिजल्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अपन तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं पूरा जी ओ सी आर आपको एक वीडियो में कम्प्लीट कर दूँगा कि आप कैसे ए टू जेड को कर सकते हो यूज़ अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और वैसे हाँ, एक बात और बता दूँ, इजी ओसीआर का पहले ही सब कुछ दिया हुआ है, बट आपको स्टेप्स में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं उसको आपको बता रहा हूँ। जेनरेटिव एआई ने पूरा सब कुछ देके रखा हुआ है कि कैसे उसको रिट्रेन करते हैं, कैसे कस्टम मॉडल को यूज़ करते हैं, सब कुछ देके रखा हुआ है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैंने कैसे फॉलो करा ताकि आपको इजीली समझ जाए थोड़ा, ठीक है। इन्होंने थ्योरी में देखे रखा हुआ है कि ऐसा करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताऊँ कि कैसे ट्रेन करना है, कैसे कस्टम मॉडल को यूज़ करना है, और अपन ट्रेलर को यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी ओसीआर का मॉडल थोड़ा हैवी होता है, इसमें डिटेक्शन का मॉडल और रिकॉग्नाइजेशन का मॉडल, दो मॉडल यूज़ होता है, तो लो कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा कोलैब का है, तो मैं ही कनेक्ट करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करके ये सर्च करना है, ठीक है, और इसको कॉपी करके पेस्ट करके आप, मैंने यहाँ पे कर दिया, आप मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, टाइम लगता है इसमें, लाइब्रेरी थोड़ी हैवी है वो, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसके जो अवेलेबल है उसको रिट्रेन, अपन देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है। ये तो मैंने वो सब कुछ ट्राई करा था पहले, उसका है, अपन क्या करते हैं सिंपल से उसे लाइब्रेरी पर जाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ऐसे यूज़ करना है इसको। वैसे मैं प्रॉपर इसकी एपीआई बना के भी दे दूँगा आपको, और आपको इसकी ज़रूरत होगी कमेंट कर दीजिए कि एपीआई चाहिए आपको, तो मैं इसकी एपीआई करके प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे ये इमेज का पाथ देना है आपको, है ना, तो मैं कोई भी इमेज अपलोड करता हूँ, इसका आपको चाहिए रिजल्ट, ठीक है। मैं देता हूँ कोई भी इमेज दे देता हूँ मैं, और डेटा मेरा, ठीक है, ये वाली ले सकते हैं, देखते हैं कुछ ऐसी इमेज जिसपे भी, ठीक है, अपन ये इमेज लेते हैं। तो मैंने डर नहीं यार, ये वाली इमेज में भी थोड़ा भेजने को प्रॉब्लम होगा, डेटा इस
में से कोई इमेज लेते हैं अपन, ठीक है अपन ये इमेज लेते हैं, ठीक है ये मैंने अपलोड कर दी, ये इमेज अपलोड हो गई है गूगल क्वेल ऐप। ठीक है क्वेल ऐप कैसे यूज़ करते हैं नहीं पता था, मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा उसका। वैसे कुछ नहीं है यार, गूगल क्वेल ऐप यूज़ करा है, रन टाइम पे जाके आपको जीपीयू सेटअप कर लेना है। जीपीयू सेटअप कर लोगे तो स्पीड अच्छा रहेगा, ठीक है ये जीपीयू, ये देखिए ये सीपीयू, सीपीयू नहीं तो आपको जीपीयू सेट करना है ना, जीपीयू सेट कर लोगे तो कैसे वो स्पीड पर सही मिलेगी। ठीक है ये मैंने इसको कट, ये कंटेंट 0 का मैंने पाथ दे दिया है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है ये मैंने रन किया है, ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जी ओ सी आर के डिटेक्शन का मॉडल और रिकॉग्नाइजेशन का मॉडल डाउनलोड होता है, सर फर्स्ट बार टाइम लगता है क्योंकि वो डाउनलोडिंग होते हैं मॉडल। ठीक है ये मॉडल डाउनलोड हो रहा है, ये डिटेक्शन का मॉडल है, ये रिकॉग्नाइजेशन का मॉडल है, और स्क्रिप्ट तो आप देख ही रहे हो कि 9 की स्क्रिप्ट है। अगर अपन इसको ए पी आई में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से 25 लाइन की ए पी आई का कोड बनेगा इसका, सिंपल सर्वर मशीन, और अपन उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है तो ये आया है, तो मैं सिर्फ देखिए शायद इस इमेज में इसको डिटेक्ट नहीं किया हुआ है कुछ रिटर्न इसमें, अरे सॉरी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट तो लगा ही नहीं कि प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट रिजल्ट ये देखिए लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ OCR। ठीक है ये देखिए, ये अपने फंडिंग बॉक्स की वैल्यू भी दे दी, उसमें सब कुछ दे दिया है, फुकुशिमा ये अपना रिजल्ट आया। ठीक है और मुझे जो भी यही था इसके आप रिजल्ट देख सकते हो कितने सही रिजल्ट दिए हैं जी उसी आप। कुछ केसेस क्या होते हैं कि कुछ केसेस में क्या रहता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसलिए अपन जी ओ सी आर रिट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको करता हूँ ना, ये इमेज में आप देख सकते हैं, आप ऐसे बहुत सी इमेजेस को ट्राई कर लो कि किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो, रिट्रेन कर सकते हो ना। मैं रिट्रेन करने की प्रोसेस भी बताऊंगा आपको, इस वीडियो का लंबा हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो इसको, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग की स्टेप्स देखो इमेजेस में रहता है कि आपको थोड़ी एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी 3-4%, बाकी तो ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है अब मैं उसको क्या बताऊँगा आपको, रिट्रेन कैसे करते हैं। ठीक है रिट्रेन करने के लिए सिंपल सा है, आप यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इजी ओ सी आर। ठीक है सबसे फर्स्ट लिंक आ जाएगी JDDI इजी ओ सी आर, आपको इसको क्लिक करना है। इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है यार, A to Z बताया हुआ है, देखिए जी उसका कैसे काम करता है क्या करता है सब कुछ बताया इन्होंने। ठीक है अब अपने को क्या करना है, रिट्रेन करना है मॉडल को, तो रिट्रेन करने का भी इन्होंने देखिए यूज योर ओन मॉडल। ठीक है तो मैं यहाँ पर रीड एयर कर दूँगा, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता के रखा हुआ है कि कैसे रिट्रेन करना है, इन्होंने टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन डेटा जनरेटर का यूज़ किया है जो कि कस्टम डेटा सेट को जनरेट करते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है तो अपन क्या करते हैं कि इसको आपको जनरेट कराना है तो आप जनरेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ इमेजेस के सैंपल्स जैसे कुछ भी कुछ साइन है या कुछ साइन का 20 या 30 या कुछ भी ऐसा है जो कि जी ओ सी आर अच्छे से रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप उस इमेज को उस इमेज के डेटा सेट को आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है अगर वो कोई वीडियोस है, अगर वो कोई वीडियोस है तो आपके FMG के थ्रू आप उसके फ्रेम्स निकाल सकते हो,
ठीक है, फ्रेम्स को निकालने के बाद आप पर्टिकुलर फ्रेम के कोऑर्डिनेट को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप करने के बाद अब आपको उसकी CSV, क्योंकि इसमें इसके नेटवर्क आर्किटेक्चर इजी ओ सी आर के नेटवर्क आर्किटेक्चर को क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग CSV फाइल चाहिए। CSV फाइल में क्या रहेगा, इमेजेस का पाथ रहेगा और उस इमेजेस में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट रहेगा एज अ लेबल। ठीक है, ये इसको डेटा सेट चाहिए इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में डेटा सेट चाहिए, तो उन्होंने ऑलरेडी डेटा सेट भी प्रोवाइड करा के रखा हुआ है कि हमको कैसा डेटा सेट चाहिए इस OCR को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये देखिए क्या है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं डबल से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने डबल से डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको, ये कस्टम एग्जाम्पल। ठीक है, अब कस्टम एग्जाम्पल में मैंने डायरेक्ट दे के रखा हुआ, उसमें ट्रेनिंग स्प्लिट और ट्रेन और वैलिडेशन में स्प्लिट नहीं करा था, तो मैंने वो दो भागों में उसको स्प्लिट कर लिया है और फिर आपको बता रहा हूँ। तो अपन डायरेक्ट उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने वहाँ से क्या करा था, क्लिक हेयर से डाउनलोड किया था, ये इस टाइप से था। तो इसमें मैंने दो फोल्डर बना लिए। ठीक है, ई ट्रेन फिल्ट्रेट और ई ट्रेन ई इंग्लिश वैलिडेशन, आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, तो आपको उसको दो भागों में कर लेना, स्प्लिट कर लीजिए दो भागों में। ठीक है, इस टाइप की इमेजेस हैं, आप देख लीजिए, ये इमेजेस हैं इस टाइप के। ठीक है, और ये लेबल्स डॉट सी एस भी इस टाइप का है उनका, आप वो भी देख लीजिए कि इमेजेस लेबल्स फाइल में कैसा रहेगा। लेबल से तो कुछ नहीं करना है आपको, एफ एम पे जैसे वीडियो निकालिए, वीडियो से फ्रेम निकालिए, फ्रेम से उसको पर्टिकुलर को क्रॉप कीजिए। क्रॉप के लिए भी स्क्रिप्ट एफ एफ एम पी जी में आसानी से वो एक्स वाई हाइट विथ आप दे दोगे तो आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 JPG में TEL लिखा हुआ है। ठीक है, 3 में लिखा है जिंगली एक्सटेंसिव, ये सब कुछ दिया हुआ है लेबल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको CSV बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये भी मैं इसका कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ये CSV कैसे बना सकते हो। ओके, और एफ एफ एम पी जी का भी बता दूंगा, एफ एफ एम पी जी में कुछ नहीं करना है, एफ एफ एम पी जी माइनस आई वीडियो का पाथ और जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है वो दे दीजिए, तो वो इजीली हो जाएगा। क्रॉप के लिए भी ऐसा है, वो सेंटर के नाम कोऑर्डिनेट के नाम देना है एक्स वाई हाइट विथ, उससे डेटा सेट प्रिपेयर हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मैं पर्सनली डेटा सेट प्रिपरेशन करने के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, कि ये डेटा सेट कैसे बना हुआ है एफ एफ एम पी जी से, पूरा ये काम एफ एफ एम पी जी से अपन करेंगे। और आपको इसकी नीड्स है कि ये कैसे बना हुआ है, वैसे तो मुझे नहीं लगता, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस OCR को तो आप इतने समझदार जरूर होंगे कि एफ एफ एम पी जी कैसे यूज़ करना है, उसके कैसे डेटा सेट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेट हो गया, ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ, एक फोल्डर आता है तो मैंने दो फोल्डर बना लिए। ठीक है, ये दो फोल्डर बना लिए, उसकी जिप बनाई और जिप है ये। ठीक है, अब हाँ ये कस्टम है, ये तो है इंग्लिश है, ये इस टाइप का मिलेगा आपको वहाँ पर डाउनलोड करूँगी तो ये। ठीक है, तो मैंने ये दो फोल्डर के अकॉर्डिंग बना लिया है उसको। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ अपलोड, इसको कोल ऐप पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये है अपना कोल ऐप और यहाँ अपन उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपलोड करने से पहले कि अपन ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट से देख लेते हैं सब कुछ कैसे करना मैनेज। ठीक है, ये है उसकी ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट। ठीक है, ये उन्होंने सब कुछ देख के रखा हुआ है। अपन यहाँ पे जाएंगे, गिट करेंगे और यहाँ पे पिप सॉरी गिट क्लोन और स्लाइडिट्री को कोयल पे ले लेंगे। ठीक है, ये कोयल पे वो आ रही है, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, मुझे लग रहा है थोड़ा डेटा सेट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम जाए, नहीं जाएगा वैसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। थोड़ा एफ एफ एम पी जी सुन लीजिए, उसके ट्यूटोरियल देख लीजिए, कुछ नहीं रखा है एफ एफ एम पी जी में, सिर्फ पाथ देना, एक लाइन की कमांड होती है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ये इसी OCR अपना आ गया है, ये ट्रेनर फाइल आ गई, ये ट्रेनर में ही सब कुछ है ना, यहीं से अपनी फाइल ट्रेन होगी। और इसमें देखिए ऑल डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए ऑल डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है, तो अपन को जानना है अपना फोल्डर है ये ऑल डेटा, ये अपना कस्टम डेटा सेट है, ये मैंने जब बना रही थी तो ये कस्टम डेटा सेट को अपन को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये देखिए फोल्डर उसमें दे के रखा है कि ऐसा करना है आपको कि यहाँ पे अपना डेटा सेट रखना है आपको, तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अरे यार इसकी जिप बनाना पड़ेगा, मैं इसकी जिप बना लेता हूँ। ये एक ट्रेनिंग के लिए है और ये वैलिडेशन के लिए है। ठीक है, मैंने ये दोनों फोल्डर्स बना दिए। अब ये दोनों फोल्डर्स को मैं अपलोड करूँगा कहाँ पे, ऑल डेटा फोल्डर में। ठीक है, ये ऑल डेटा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं ताकि ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये मैंने ऑल डेटा इसको करा अपलोड, तो इसी उसी ट्यूटोरियल पे जो मेरा ऑलरेडी रखा हुआ है डेटा सेट, मैं ये डेटा सेट भी आपको अगर ज़रूरत लगेगी ये डेटा सेट आपको ड्राइव पे दे दूँगा, आप अपना डेटा सेट भी यहाँ पे कर सकते हो यूज़। ठीक है, ये मैंने दोनों फोल्डर को अपलोड कर दिया ट्रेनिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए। जैसे ये फोल्डर अपलोड हो जाएंगे फिर अपन ट्रेनिंग की प्रोसेस करेंगे। ट्रेनिंग की प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, देखिए ये सब कुछ उन्होंने दे के रखा हुआ है, ट्रेनर इस फाइल को चलाना है, यहाँ से अपना सब कुछ डेटा सेट आएगा, सब कुछ आएगा, पूरा उन्होंने दे के रखा हुआ है। ठीक है, और आप ये इस टाइप से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो आप इसकी जगह पे ये डिटेल्स जीरो भी यूज़ कर सकते हो। डिटेल्स जीरो में क्या होगा, सिर्फ ये एक लिस्ट आएगी रिटर्न, लिस्ट में आपका स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा जो कि इमेजेस में जो जो भी वर्ड होगा। ठीक है, आते हैं, अपलोड हो गया होगा, ये अपलोडिंग चल रही है। हाँ, गूगल पे लगभग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गूगल ईजी है, और इसके यहाँ से आप आसानी से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। इवन मास्टर सीनिंग के मॉडल भी मैं गूगल पे लगभग यूज़ करता हूँ। चलो, ये अपलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए, ये FFmpeg, ये FFmpeg, ये देखिए FFmpeg में कुछ नहीं है। FFmpeg वीडियो का पाथ दिया हुआ है, ये फ्रेम पर सेकंड का दिया है कि मैंने एक पर एक कितने सेकंड में कितने फ्रेम चाहिए वो, और ये JPG इस फोल्डर का, बस यहाँ से आपको फ्रेम कर जाएंगे। और उसके बाद आपको क्रॉप का कोड चला देना है, क्रॉप का कुछ नहीं, क्रॉप के लिए भी ये FFmpeg में ही आप कोऑर्डिनेट देना है बस, और वो क्रॉप हो जाएगा। और CSV बनाने के लिए देखिए, CSV मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, ये इमेज है डेटा फोल्डर के अंदर, वो क्रॉप इमेज है जो कि FFmpeg से बनी है। ठीक है, ये सॉर्टेड एक एक इमेज आएगी, रीड होगी, और EasyOCR का जो प्री ट्रेन मॉडल है अपन उसी का यूज़ करके डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है, EasyOCR का ये देखिए, ये करा मैंने, ये सब कुछ, ये डेटा सेट इसमें से आ रहा है, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेट, ये JSON बन रही है। JSON फाइल कैसी बन रही है, JSON फाइल बन रही इमेज आ रही, इमेज की कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है वो JSON बन रही, पर मैंने इसको JSON को CSV में कन्वर्ट कर लिया इजीली बस, और फिर बन गया अपना डेटा सेट। ये है सिंपल सा, और ये देखिए आप, मैंने ये भी बनाया था थोड़ा सा, क्या कहा था, रेगुलर एक्शन, आपका सब कुछ हो गया। ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया, अब आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि जो टेक्स्ट है ये इमेजेस में ऐसा टेक्स्ट आया, अब आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट, तो आप वो कैसे करोगे, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का भी मैंने किया था, मेरे प्रोजेक्ट से नीट लग रही थी उसकी। ठीक है, तो अब अपना हो गया है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी बात करता हूँ, मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले अपन जाएंगे EasyOCR पे, EasyOCR पे, ट्रेनर पे। ठीक है, ये ट्रेनर पे आ गए। अब अपन को क्या करना है, ऑल डेटा पे भी जाना पड़ेगा, CD
हॉल में एक एक करके इसलिए बता रहे हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट ना हो ना। अब मैं करता हूँ कॉपी क्योंकि अपन को करना है इसको अनजिप। ठीक है, ये करा अनजिप। अच्छा ये पाथ है, अनजिप करने के लिए कुछ नहीं करना, अनजिप लिखना, पाथ लिखना उसका जिस फाइल को आपको अनजिप करना है। ठीक है, ये अनजिप हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन वैलिडेशन के लिए कर लेंगे। ये मैंने ट्रेन के लिए करा था, ये मैं वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने वैलिडेशन के लिए कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हॉल डेटा के अंदर ये अपना सब कुछ हो गया। ठीक है, अब अपने स्टेप को डिलीट कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आता तो नहीं, क्योंकि इनका नेम सही है तो कोई इशू ना आए, इसलिए अपने इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक ये हो गया सब कुछ। अब अपन को बैक जाना पड़ेगा, कहाँ पे, ट्रेनर पे, सीडी। ट्रेनर पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, सिंपल सा, अब सब कुछ हो गया। ठीक है, डेटा सेट अपन ने जो कस्टम डेटा सेट डाउनलोड किया उसको स्प्लिट करा दो भागों में ये, और उसका रीनेम करके इस टाइप से कर लेना। ऑल डेटा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, वो जब आप उस रिपोजिटरी को आपके सर्वर आपके मशीन पे लोगे, मतलब गूगल को एलएफ पे लोगे तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सिंपल सा इसको रन करेंगे। ठीक है, पहले एक बार और अपन कॉन्फिग फाइल को चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉपर पाथ भी है। कॉन्फिग फाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, इसमें सब कुछ देख के रखा हुआ है आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ। ठीक है, ये देखिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, कब सेव होगा मॉडल, क्या टेस्ट है, क्या बेस्ट साइज है, सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन आते हैं स्क्रिप्ट को रन करने में। ये सब कुछ दिया हुआ है, ये आप लेना नहीं, ये मेरा ऑलरेडी वो इसी होशियार में करता रहता हूँ, इसलिए है, आप स्किप कीजिए। ठीक है, ये आ गया अपन यहाँ पे न्यू। अब आपको क्या करना है, इसी होशियार का एडवाइजर में सब कुछ देखा रखा है। ये ट्रेनर फोल्डर है जो अपने में बना हुआ है। ठीक है, और ये ऑल डेटा, ऑल डेटा क्या है, ऑल डेटा के अंदर अपन ने सब कुछ अपना डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, अभी ट्रेनर जो उन्होंने दिया हुआ है ये ओपन सोर्स है, आप यूज़ कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ यूज नहीं कर सकते, उन्होंने ओपन सोर्स दे के रखा हुआ है। ठीक है, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये आप स्क्रिप्ट को रन कर लिया करना, इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको पेस्ट किया और पिन कर दिया। अब अपन इस पे आ गए। ठीक है, ये किया, ये किया, ठीक है, ये भी रन हो गया इजीली। ये आप सोच रहे हैं कहाँ से लाना, कुछ नहीं करना, कोई इजी हो सी आर डालना, सबसे पहले लिंक की आएगी उसको क्लिक करना, ट्रेनर के अंदर जाना, ट्रेनर के अंदर ही जो ये अपन ने इसका पुल लिया हुआ है, कहाँ पर पुल लिया हुआ है, सर्वर पे, सर्वर कौन सा, गूगल को एप पे अपने पुल लिया है इसी का। आप इसको लोकल पे भी कर सकते हो, पर लोकल पे ट्रेनिंग हो क्योंकि ये हैवी मॉडल है थोड़ा। ठीक है, ये आप यहाँ से, ठीक है, हाँ अब आप देख सकते हो मैंने पूरा पेस्ट कॉपी कर पेस्ट कर दिया है ये फाइल, जो कि ये जेडी रखी हुई है, जेडी एआई में। ठीक है, अब मैं सबको कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए ये सब कुछ कैसे करते हैं,
ये मैं इसको काट लेता हूँ ताकि अपना लैपटॉप हैंग ना हो इसको करने के लिए। ओके फाइन, ठीक है, अब मैं रिट्रेन करता हूँ। ये देखिए अब अपनी ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट चालू हो गई। ये देखिए ये ट्रेनिंग चालू हो गई है अपनी, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हो, आप ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट हो गई है 97 क्लासेस के लिए। और मैंने कुछ नहीं करा है, देखिए लाइब्रेरी को अपन रिट्रेन कर सकते हैं, पूरा रिट्रेन कर सकते हैं। लाइब्रेरी को आप अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना ये मॉडल ट्रेन होने लगा हुआ है, अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है गाइस। ये कॉन्फिग फाइल है ना, कॉन्फिग फाइल को आपने दे के रखा हुआ है कि क्या बेस साइज होगा, क्या इमेज का साइज होगा, सब कुछ। और ये ट्रेन डॉट पी वाई, ये इसको ट्रेन डॉट पी वाई को कॉल कर रहा है। ट्रेन डॉट पी वाई में अपना मॉडल का आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा गाइस ना, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा मॉडल को ट्रेन होने में, ठीक है। तो मैं इसको स्किप बंद करता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इंटर क्लियर कॉपी इंटर एक्सक्यूशन कर देते हैं, ये रुक जाएगा, ठीक है, ये रुक गया। अब बारी आती है अब अपन कस्टम मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, अपना मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, ये अपना मॉडल ट्रेन हो गया पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ, अपन इसी उसी आते जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने दे के रखा होगा कस्टम मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं, इन्होंने सब कुछ दे के रखा है, सब कुछ A to Z दे के रखा हुआ है इसमें आपको। इन्होंने बस इम्प्लीमेंटेशन का कुछ दिया नहीं था कि कैसे, मतलब कि रियल टाइम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जेनरेटिव AI प्रोवाइड वेब बेस्ड पेड सर्विस है इनकी, हाँ, ये देखिए ये सब कुछ इन्होंने दे के रखा है। इनको तीन फाइल्स की ज़रूरत लगेगी कस्टम मॉडल को यूज़ करने के लिए, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इन्होंने किया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, कस्टम डॉट एग्ज़ाम्पल में इनकी तीन फाइल्स हैं। कस्टम इनका मॉडल दिया हुआ है, कस्टम मॉडल दिया हुआ है जो कि इन्होंने ट्रेन करा, और जो कि जो अभी अपने स्टेप्स फॉलो करी उसके बाद अपना मॉडल ट्रेन हुआ, उसका लेटेस्ट डेट फाइल का अपन यूज़ करके उस मॉडल को यूज़ करेंगे। पर मैंने क्या करा कि पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने इसको स्किप किया हुआ है, इसको मैं बता नहीं रहा, मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि इसमें टाइम लगता है मॉडल को ट्रेन होने। तो अपन इनका ट्रेन मॉडल यूज़ करेंगे, आप अपना जो मॉडल आपने लगाया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी स्टेप्स में सिंपल बता देता हूँ कि आपको ऐसा करना है उसको यूज, ठीक है। example.custom.example.zip, ये custom.example.zip मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। ये वो कॉन्फिग फाइल है, ठीक है। इस कॉन्फिग फाइल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉन्फिग फाइल में ऑलरेडी दिया हुआ है। और कस्टम डॉट एग्जांपल को कैसे, ये एक स्क्रिप्ट है जो कि कस्टम मॉडल को आप कैसे यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और कस्टम एग्जांपल डॉट पाथ, ये क्या है कस्टम एग्जांपल डॉट पाथ, ये अपना जो मॉडल आएगा ना, जो मॉडल ट्रेन होगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे तो देखिए अब क्या होता है, ये देखिए ये सब कुछ आता है इसमें डेटा, ये सब कुछ इस टाइप से, ठीक है। अपन ट्रेन करेंगे तब भी वो यही आएगा। अब मैं इसको कट करता हूँ, इस फोल्डर को अपन को कटना है, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या बोला है कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपको क्या करना है, इनका कोड भी इन्होंने दे के रखा हुआ है, ठीक है, ये कस्टम मॉडल को यूज़ करने का कोड, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, कस्टम मॉडल मैंने यूज़ किया था अभी, किधर गया किधर गया, ये ठीक है, ये दिया है इम्पोर्ट इज OCR रीडर, ये रिकॉग्नाइजेशनल कस्टम मॉडल, ये देखिए नाम दिया है कस्टम मॉडल कैसे यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, वो तीनों फाइल है ना जो कि example.zip में है, उनको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अपन को रूट फोल्डर के अंदर देखिए
उन्होंने जैसा मैं कोलैब के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये आपको अपना अब ऑपरेटिंग यूज़ कर रहे होंगे, कहाँ का ऑपरेटिंग यूज़ कर रहे होंगे आप अपना, ठीक है, लोकल का। तो आपको क्या करना है, रूट फोल्डर के अंदर, रूट फोल्डर है ना, ये रूट फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये सारा ये स्टेप्स बहुत ईजी है ना गाइस, इसको आपको वो नहीं करना है। आप ऐसा करोगे तभी उसको यूज़ कर पाओगे कस्टम मॉडल को यहाँ से, कि वो ये डिफ़ॉल्ट ये कोडिंग में, पाइथन की कोडिंग में दिया हुआ है कि ये इस यहाँ के फोल्डर से वो उठाता है अपना लास्ट ट्रेन बिट, ठीक है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अब इसी OCR, ठीक है, इसी OCR मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसी OCR के अंदर ही अपन को ये करना, एक और फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, ठीक है। वो किस नाम से करना है, ये देखिए, ये यूज़र नेटवर्क, ये यूज़र नेटवर्क मतलब यूज़र का जो पीटर नेटवर्क है, यूज़र नेटवर्क, ठीक है, यूज़र नेटवर्क आ गया अपना। अब इसी के अंदर अपन को इसी OCR के अंदर एक और बनाना है न्यू फोल्डर मॉडल, इसमें अपना यूज़र मॉडल आएगा, यूज़र नेटवर्क में अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएंगी और मॉडल में अपना मॉडल जो लास्ट वेट ट्रेन मॉडल है वो आएगा, ठीक है, ये मॉडल आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो यूज़र नेटवर्क में है वो अपनी, ये देखिए, ये यूज़र नेटवर्क मैंने क्रिएट किया है, इसमें अपलोड करना है अपन को, क्या अपलोड करना है, जो कस्टम डॉट एग्ज़ाम्पल उन्होंने दे के रखा है वो कस्टम डॉट एग्ज़ाम्पल मैंने डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, ये देखिए कस्टम एग्ज़ाम्पल मैंने डाउनलोड कर लिया। अब उसमें क्या करना है, ये पाइथन स्क्रिप्ट है, ये जो मॉडल है अपन ने ट्रेन करा उसकी स्क्रिप्ट है कि अपन ने वो कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ करा उसकी, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इन दोनों फाइल को अपन वहाँ पर रख लेंगे, कहाँ पर, यूज़र नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पे आएगा मॉडल, ये आएगा मॉडल, मॉडल याद रखना, यहाँ पे कौन सा मॉडल लगाना है आपको, जो आपका ट्रेन होगा, जो अपन अभी एग्जीक्यूशन को रोका है ना, यहाँ पे ट्रेन मॉडल आएगा आपका, ठीक है। और याद रखना, डिटेक्शन मॉडल अपन रिट्रेन नहीं कर रहे हैं, अपन रिकॉग्नाइजेशन मॉडल को रिट्रेन कर रहे हैं, डिटेक्शन मॉडल वही प्री ट्रेन वाला है और रिकॉग्नाइजेशन का मॉडल अपन अपना कस्टम वाला यूज़ कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जब तक हो रहा है अपन इसको क्या करते हैं, कस्टम मॉडल डॉट पी बाय कस्टम मॉडल पाथ, ठीक है, ये देखिए कस्टम मॉडल, अब यहाँ पे कस्टम एग्जांपल लिखा है तो अपन इसको रीनेम करके कस्टम मॉडल कर देते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में दिया हुआ है ऐसा, अब अपन को स्क्रिप्ट चेंज नहीं करना, अपन यहीं से कर लेते हैं चेंज, अगर आपको स्क्रिप्ट के अंदर से करना है तो आप स्क्रिप्ट के अंदर से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने रूट, ये रूट आप समझ रहे हो, रूट आपके ऑपरेटिंग में वाइड फोल्डी फोल्डर आता है, उसके अंदर इजी OCR नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना, उसके अंदर दो फोल्डर क्रिएट करना है, एक मॉडल एक यूज़र नेटवर्क। मॉडल के अंदर आएगा आपका प्री ट्रेन, जो आपका ट्रेन मॉडल है, जो कि अपन ने अभी कोलैब पर ट्रेन किया वो वाला मॉडल, ठीक है, और ये कस्टम मॉडल डॉट पी वाई और कस्टम मॉडल डॉट वाई एम एल, ये फाइल्स जेडेड AI इन्होंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, ये प्रोवाइड आप इसके यहाँ से डाउनलोड करके उसको अपलोड कर सकते हैं गूगल कोलैब पे, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, हो जाए यार, ये अपलोड हो जाए, और तो अब कुछ बताने लायक है नहीं इसमें, ठीक है। अपन ने नॉर्मल यूज़ देख लिया, इजी OCR का कैसे करते हैं, अपन ने डेटा सेट प्रिपरेशन का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि FFmpeg से करना है, अपने कमांड मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, CSV का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया आपको, आपको रिट्रेन करना बता दिया कि लाइब्रेरी को कैसे रिट्रेन करना है, वो भी हो गया। अब मैं ये स्टेप इमरजेंसी अपना ये अपलोड हो जाए मॉडल, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब आप अगर चाहते हो कि इसकी फ्लास्क API चाहिए तो मैं API प्रोवाइड कर दूंगा,
जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको डिप्लॉयमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है इसी OCR का। जल्दी अपलोड हो जा भाई। ठीक है, ये अपलोड हो गया, पर इसका कोई काम नहीं है अपन को। ये और भी मेरे टॉपिक्स आप देख सकते हो, मैंने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं AI ML मशीन लर्निंग OCR से रिलेटेड। एक पाइस टेस्ट डायरेक्ट भी होता है, बहुत मतलब कि बहुत फास्ट है पाइस टेस्ट डायरेक्ट इसी OCR में, तो रिजल्ट्स का है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, ये अपना मॉडल अपलोड हो गया है। ठीक है, ये हो गया अपलोड, आपने पूरा देख लिया है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन उसको रन करते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि कस्टम कहाँ गया, कस्टम 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 का कोड, ये रहा 4 लाइन का कोड है कस्टम का, याद रखना कस्टम मॉडल यूज़ करने का। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क कस्टम मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इमेज दी है। अब मैं ये इमेज को अपलोड करता हूँ। ठीक है, काम करते हैं अपन होम में। चलो होम में अपलोड कर लेते हैं अपन। ऑल डेटा ट्रेंड फिल्ट्रेट, ये अब मैं सोचो अपन यही इमेज कर रहे हैं यूज। ठीक है, मैंने कर दिया इसको अपलोड, याद रखना कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने होम फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया, आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कॉपी पाथ करा है और ये मैं यहाँ उस इमेज का पाथ दे रहा हूँ। याद रखना फ्रेंड्स, रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क में कस्टम मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो कि रूट फोल्डर के अंदर इसी OCR मॉडल में रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रन। क्या एरर आ गई है भाई, नॉट फाउंड। ठीक है, ये वाली एरर है ना आपको सिर्फ कोलैब में आएगी, उस जब वहाँ पे चलाओगे ना आप अपने सर्वर अपनी मशीन पे लोकल पे, वहाँ पे नहीं आएगी। क्या होता है, ये फोल्डर उसको मिल नहीं रहा है, तो आपको ये वाली कमांड चलाना है। ये कमांड अगर आप कोलैब पे यूज़ करोगे तो मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, एक ये किसके लिए है, ये BioML के लिए है, ये अपनी वो स्क्रिप्ट है पाइथन स्क्रिप्ट कस्टम के लिए, और एक ये मॉडल फाइल के लिए। ये 3 कमांड है, ये कॉपी ही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वो उसको पाथ नहीं मिल रहा है। तो वो पाथ अपन ये जो अपन ने अभी इजी OCR फोल्डर बनाया ना, ये इजी आर फोल्डर उस ट्रेनिंग उस इस पाइथन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपन ने वहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। बस कुछ नहीं करना है आपको, मैं दे दूँगा इसको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आप देखिए अपन करते हैं इसको रन फिर से। रर क्या रर आई है भाई, इनमें नो एट्रीब्यूट फुल लोडर। अच्छा, अपन को कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए। ये देखो, यही तो अपना टीचर है, गूगल अपना सबसे बड़ा टीचर है, मैंने लिखे ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इसको करना है पेस्ट, कॉपी, इसको किया पेस्ट। ठीक, ये अपन ने कर दिया पेस्ट। गूगल अपन को सब कुछ देता है यार, वो ही अपने टीचर्स है। ये देखिए, ये आपने किया, फिर से बाय मैस नो एट्रीब्यूट। अच्छा, डबल से वो एरर आ रही है, इसका मतलब अपन को ये ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये ट्राई कर लेते हैं अपन। ये ट्राई कर लिया अपन, है ना। अरे भाई, रिस्टार्ट मत करवा यार, सारा सब कुछ चला जाएगा यार। एक बार बिना रिस्टार्ट के ट्राई करते हैं, चलता है कि चल गया लगता है।
रॉयल मशीन में एंट्री हो रही है यार, रीस्टार्ट मानना पड़ेगा यार। रीस्टार्ट रन टाइम, ये रीस्टार्ट फ्रेंड इसलिए मान रहा है कि अपन इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, रीस्टार्ट रन टाइम करता हूँ, अब क्या करें, लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये रीस्टार्ट रन टाइम किया ना, उसके बाद आप उसको रन करोगे तो डेफिनेटली रन हो जाएगा, सच में रन हो जाएगा। नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, एक बार अपन ट्राई करके देख लेते हैं, वो रन टाइम के कारण ही आ रहा है। जैसे कि अच्छा नहीं आया, क्यों नहीं आया, रीस्टार्ट रन टाइम किया वो आ गया, और नहीं भी आता ना। अच्छा, पाइटोस फेल रीडिंग चिप आर्ची फेल फाइंडिंग सेंट्रल डायरेक्टरी, ये कौन सी एरर है यार। अपन एक बार इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, एरर क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। कॉपी पाथ, रिकॉग्नाइज नेटवर्क, रखो एक मिनट, अपन क्या करते हैं इसको। यूजर कहाँ गया भाई, मॉडल वो लग ही रहा था इसमें प्रॉब्लम आई, कि अपन ने अपलोड होने से पहले ही उसको रीनेम कर दिया था। ठीक है, अपने टेबल से मॉडल फाइल को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। कस्टम मॉडल पाथ ये चला गया, अब करते हैं ट्राई है ना। इनवैलिड लूट की, करप्ट है यार ये फाइल ही, करप्ट हो गई है। अपन को दूसरा वो रीनेम करने में सब कुछ हुआ है यार, ये कि मैं डबल अपलोड करता हूँ उसको, अपलोड इसी उसी ट्यूटोरियल कस्टम एग्जांपल, ये मॉडल पाथ याद रखना है ना कौन सा है, ये वो है जो ट्रेन हुआ है, ये अपलोड हो जाएगा। एक मिनट, और बाकी इसमें कुछ है नहीं यार, बहुत सही लाइब्रेरी है ये।
अब अपन इसको करप्ट नहीं करेंगे, इसमें क्या हुआ है वो करप्ट हो गई है फाइल, आप स्किप कर सकते हो यार ये वीडियो है ना थोड़ा, मतलब कि जो अपन कन्वर्सेशन चल रहा है ये वाला आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। वो क्या हुआ यार ये करप्ट हो गई है अपन को, मैंने क्या करा अपलोड करा और जैसे उसको रीनेम कर दिया और वो पूरा अपलोड नहीं हुआ और उस वजह से वो फाइल करप्ट हो गई है, ये हुई है प्रॉब्लम। और जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं जब तक अपलोड हो रहा है, अपन ये देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम, ये देखिए ये मेरा एक ब्लॉग दिया हुआ है, ये देखिए पायरेटेड डायरेक्ट का है, वो पायरेटेड डायरेक्ट का यूज़ करके कैसे कर सकते हो। इसमें अपन थोड़ी बहुत इमेज प्रोसेसिंग की हुई थी, इमेज प्रोसेसिंग के बाद अपन ने पायरेटेड डायरेक्ट अप्लाई किया था। ये देखिए मैंने पूरा इसकी लाइव उसकी पूरा मतलब क्या बोलते हैं फ्लास्क में दिया हुआ था एपीआई के थ्रू, देखिए पूरा एपीआई के थ्रू दिया हुआ था कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं पूरे स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। पायरेटेड पायरेटेड तो इजीली सीपीयू में भी अपना चल जाता है और अच्छी फास्ट चलता है, वो थोड़ा एक्यूरेसी का इशू है, अब इजी उसी यार एक्यूरेसी देता है बहुत अच्छी पर थोड़ा हैवी मॉडल है वो। बस ये अपलोड हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल बता देता हूँ क्या, आप फाइनल सब कुछ बता दिए, देखिए अपना क्या हो गया एसडीओ सर कैसे यूज़ करना है, कैसे डेटा सेट प्रिपरेशन करना है, कैसे उसको रिट्रेन करना है, कैसे कस्टम मॉडल को यूज़ करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब आपका भाई डिप्लॉयमेंट करना है तो आपको एक ही चीज़ बचता है, क्या बचता है इसको डिप्लॉय कैसे करना है, तो डिप्लॉय के लिए फ्लास्क एपीआई लगेगी, फ्लास्क एपीआई या जेंगो की कोई भी एपीआई, तो मैं एपीआई भी बता दूंगा अगर आपको एपीआई की ज़रूरत है उसकी। और एपीआई के बाद भी अगर आपको इसमें क्या रेगुलर एक्सप्रेशन भी लग सकता है क्योंकि आपको कोई इमेज में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या स्ट्रिंग ही चाहिए तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता होगा, अगर आपको उसकी ज़रूरत उसकी ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। और आपको अगर एफ एफ एम पी जी पे लगता है कि एफ एफ एम पी जी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फ्रेम निकालते हैं, कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे आपने वो डेटा सेट मैंने सी एस बी बनाई होगी, अगर उस पर आपको जानना है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये अपना मॉडल अपलोड हो गया है, मैंने इसको करा रीनेम, रीनेम करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दिया मॉडल, ये मैं यहाँ से रीनेम कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही ये यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जो अपनी टेस्टिंग की स्क्रिप्ट है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े यूटिल्स फाइल में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये कोलैब वाली प्रॉब्लम एक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है पता नहीं क्यों हो रहा है कस्टम, ये उस बात को ले नहीं पाता है तो अपन को ये डबल से करना पड़ेगा इसको एक बार रन, ठीक है। मैंने इसको किया रन, मैं ये भी शेयर कर दूंगा आपको है ना, ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये कोलैब की ये फाइल तक आपको इजीली समझ आ जाए सब कुछ, ओके। कहाँ गया कस्टम, ये रहा, अब चल जा भाई चल जा, ये देखिए ये अपना कस्टम मॉडल चल गया है, देखा आपने ये रिजल्ट्स आए, ये वाली इमेजेस मैंने यूज़ की हुई थी कंटेंट 2 3 JPG और ये उसका रिजल्ट आया, ये याद रखना मेरे फ्रेंड्स, ये मैंने यूज़ किया हुआ है कस्टम मॉडल नॉट अ प्री ट्रेंड मॉडल, और वो एरर आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि मैंने अपलोड होने से पहले रीनेम कर दिया था, समझ गए आप, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू AI ब्लॉग MS राजपूत, और भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैं IT स्टार्टअप से रिलेटेड आइडियाज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक्स, अगर आपको कोई भी कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगा। थैंक्स गाइस।